कालिन दी, आस्था इस वक्त अपने ससुराल में क्या कर रही होगी? यहां होती तो कभी कुछ मांगकर मुझे परेशान करती या कभी तुम्हें परेशान करती, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं कर रही होगी। वहां तो अपनी अच्छाई से घर के सारे लोगों का दिल जीत लिया होगा उसने। कालिन दी, सारा खाना लगा दिया ना? जी, लेकिन पता नहीं क्यों ये अभी तक नहीं आए ऑफिस। लो आ गया। आप आ गए, फ्रेश हो जाइए, खाना लग गया है। मेरा मन नहीं है, तुम दोनों खा लो। लेकिन क्यों, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वो ऑफिस में आज काम जरा ज्यादा था इसलिए। कुछ और बात है। बाबा, मेरी ज्योति को हिम्मत देना कि वो हर दुख हर तकलीफ का मुस्कुराकर सामना कर सके। उसे सारे दुख सहने की शक्ति देना, उसके मन में ये एहसास बनाए रखना। एक लड़की के लिए उसका ससुराल ही सब कुछ होता है। आइंदा उसे ससुराल में तकलीफ ना हो, इतनी सी विनती है मेरी। मुझे तो अभी भरोसा नहीं हो रहा है बाबूजी पर। पता नहीं सबको क्यों ऐसा लगता है कि वो सुधर गए। इसे कैसे भेज सकते हैं हम ताई को, बेरहम इंसान के हाथों। तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ भाऊजी आप, क्योंकि इस बार जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अभय ज्योति तक को भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसने देख लिया है कि ज्योति के दो दो भाई उसके साथ खड़े हैं। एनीवे, इस गड़बड़ में तुम्हें थैंक्स कह नहीं पाया। थैंक्स किस बात के लिए? मेरी बेटी को इतनी खुशियां देने के लिए, जिसके लिए वो मासूम ना जाने कब से तरस रही थी। भाऊजी आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं आस्था, तुमने जो किया उससे मुझे बहुत खुशी हुई। तुम ठीक हो ना? अगर आई तुरा माहिती है ना, गेहूं के साथ साथ घुन भी पिस जाता है, और इसलिए डर है कि कहीं बरसों की लगन और मेहनत से कमाए हुए नाम पर बेईमानी का धब्बा ना लग जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सच्चे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, सब ठीक हो जाएगा। अबे बेटा, लक्ष्मी है ये घर की, अभी अभी आई है, थक गई होगी बेचारी, है ना? जो गहने अपने घर से पहन के आई है वो निकाल के रख लो, इसकी माँ ने और भी बहुत कुछ दिया होगा, वो भी ले लो। तेरी आई बड़ी समझदार है, इतना सारा नाटक होने के बावजूद बेटी को बहुत सारे माल पाने के साथ ससुराल भेजा है। निकाल तेरे गहने, निकाल बोला ना। अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूं, उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए।